ये कावा वावा पीने का मजा आता है इसमें ना। लाख वाला कौन सा है? लाख वाले बंद है। सो व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट इन ले? वी नीड टू रीच समहाउ, वी नीड टू रीच देयर बैंकॉक। हाँ जी, नमस्कार जी, आदाब, सत श्री अकाल, नाम है मेरा मुनीश, वेलकम टू बुजुका वर्ल्ड। और आज है डे 7 एंड आज हम घूमने वाले हैं जी, कहाँ पे? ले मार्केट। तो ले मार्केट पूरी घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और ले की कुछ खास चीजें आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग विद अ बैंग। बुजुका वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट जुका बुजुका। मन पाजी, क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया जी रहे हैं जी। तो आज बेसिकली क्या है कि ले मार्केट करने जा रहे हैं। मन पाजी थोड़े आराम से आएंगे, मैं एक बार फटाफट मार्केट घुमा दूं पाजी इनको। दो बट्टे पाजी, सारी बात बताना क्या मिला आपको, क्या मिला, और थोड़ी शॉपिंग भी करूंगा पाजी। 100% ठीक है पाजी, डू टेल अस। चलिए जी, ये होटल को बाय बाय बोलने लगे क्योंकि नए होटल में जाएंगे, केसर पैलेस। बहुत अमेजिंग स्टे रहा, बहुत अमेजिंग फूड। ये बाइक वालों को हमने प्रमोट किया था और अच्छा व्यू मिला इनको इंस्टाग्राम में। और ये है मार्केट की शुरुआत अपने होटल से, रिजवान क्राफ्ट। क्या क्या दे रहे हैं? कश्मीरी ट्रेडिशन दे रहे हैं। ये क्या है सर? ये सूट है सर। अच्छा, कितने कितने का है ये? 500। अरे 500 का सूट, प्रॉपर कॉटन है क्या? अरे वाह, अभी आएंगे आपके पास, मैं मार्केट कवर करके आ रहा हूँ आपके पास। कोई बात नहीं। तो मार्केट देखने में उनके पोंचू बड़े अच्छे लगे। पोंचू किस रेट में दादा? सस्ता ही मिलेगा। अरे वाह, बहुत ट्रेडिशनल रखी हुई है चीजें इन्होंने, कश्मीरी पैराडाइज। 12:30 बज चुके हैं, मार्केट पूरी खुली नहीं है। और आपको बता दूं कि मार्केट 9:30 बजे तक ही खुल सकती है। यहाँ पर रात के 9:30 ये मार्केट बंद कर दी जाती है, पूरी की पूरी मार्केट, चाहे खाने पीने की दुकानें हो या फिर कोई कपड़ों की दुकानें हो। 9:30 इज़ द टाइम। ये देखिए, यहाँ पर भी पहुँचू अच्छे हैं। ये देखिए यार, सो अनकट वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल स्टोर भी मिल जाते हैं। ये तो सेल लगी है यहाँ पर, 800 रुपये का कोई भी चीज़ लीजिए। लिटल तिब्बतियन, यहाँ पर क्या क्या मिलता है देखते हैं। अरे वाह, तो ये सारा तिब्बतियन सामान रखा हुआ है इन्होंने। क्या हाल भाजी? कितना आए भाजी? अरे वाह, कैसा रहा ट्रिप, कैसा रहा? वेरी नाइस। सो ये भाजी दिल्ली से आए हैं, कितना की खास इन्जॉय किया? हिल एरिया इज़ वेरी नाइस। हाँ हाँ, ब्लॉगिंग कितनी थी? नहीं माड़ी जी यार, अपने फोन पे ही। अच्छा, पेंगोंग का रास्ता बहुत खराब है। हुज हो अबे, हो क्या यार, हो क्या है, देखिया पूरा बहुत खराब है यार। हां पर हो गया, डेंजर काटता थी। हां डेंजर काटता फैमिली नाल सी, बट गड्डी वड्डी सी था, निकल गए। अदरवाइज बड़ा ओखो है। नहीं हां ओखो जाना सी। ए तो कोई शॉपिंग कीती है? हां थोड़े जे सुवेनिर्स लेते ने। अरे वाह, पैक कर देता यार, उनते जाना है वापसी, मैं वाया श्रीनगर जावांगा। अरे वाह, चंडा वगैरह लेते है कि लेते भाजी? ए यस, मैग्नेट्स है कने। किन्ने दा पिया? वैसे शीशे 250। हां हां, बार्गेनिंग करके, बार्गेनिंग दी आदत है सानू, वैसे ही दिल्ली वाले नु वैसे ही बहुत ज्यादा होती है। हां हां, ते 100 देता। चलो गुड लक है भाजी। थैंक यू। ओके जी, हाय दादा, हाउ आर यू? क्या क्या दे रहे हैं दादा? अरे बहुत बढ़िया, ये प्रॉपर विंटर वेयर दे रहे हैं। किस रेंज में दादा? स्टार्टिंग फ्रॉम 2000। तो अगर आप जैकेट्स या विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो क्या नाम है दुकान का अपना? डग लेदर हेवन। द डग लेदर हेवन। डग लेदर हेवन, अरे वाह। 4.5 डिस्काउंट देते हो आप लोग? हां हां डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट कितना देते हो? डिस्काउंट 20% हो जाएगा। 20%। और प्योर लेदर के यहां पर आई थिंक रखे हुए हैं सारे एंटीक पीसेस। सारे लेदर के। बहुत बढ़िया, तो अगर आप लेदर की चीजें लेना चाहते हैं तो फोर्ट रोड पे इनकी दुकान आ सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है जी, हमारा नाम लेंगे तो और स्पेशल दे देंगे। ठीक है दादा। सो ये मार्केट मैं पहले घूमा नहीं हूँ और आज फर्स्ट टाइम घूम रहा हूँ। जो मेरे को दिख रहा है उन जगहों में जा रहा हूँ और बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस है भैया, जिस चीज़ को देखा ही ना हो उस जगह जाके उस चीज़ को एक्सप्लोर करना। तो अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हैं तो मास्क बिल्कुल डाल के रखिएगा,
क्योंकि मास्क ना डालने पर चलान है इसका। ये लाइन आ गई शॉपिंग की और खाने पीने की। तो ये लेह की मार्केट है, अभी फिलहाल हैपनिंग नहीं है, बट अल्टीमेटली जैसे जैसे शाम पड़ेगी ये हैपनिंग हो जाएगी। लेकिन मार्केट की बात करें, यहाँ पर भी मार्केट है, ये भी मार्केट है। चलिए अंदर की मार्केट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है, बट अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी आपको शॉपिंग के लिए। चलिए थोड़ी शॉपिंग करते हैं जाके। ये राधूज है भैया, कश्मीरी फूड मिलेगा यहाँ से। ये देखिए, ये पूरी मार्केट है भैया शॉपर्स के लिए। ट्रैकिंग जा रहे हैं उसका सामान मिल जाएगा, टी शर्ट्स मिल जाएंगी। तो मैं हूँ इस टाइम तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट के बाहर, और लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं। ये मार्केट का एंट्री है, ये मेन मार्केट के पास पड़ेगी, जो मेन ले मार्केट है उसके पास पड़ेगी। तो आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए, हाय। तो क्या क्या मिलता है सर यहाँ पर, खास क्या है यहाँ पर? हाँ सर, हाँ, क्या क्या खास मिल जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ये है, टर्क्वाइज़ है, फिरोजा है, लड़ाका, और माला है, कोई है। और सबसे सस्ती चीज कौन सी और सबसे महंगी कौन सी आपके पास? सबसे सस्ती चीज होता है फ्लैग, होता है बाइक में लगाने वाला। अच्छा, बाइक में लगाने वाला फ्लैग कितने का मिलता है? वो 30 रुपए तक में आता है। 30 रुपए तक? हाँ। और सबसे महंगी चीज क्या है पूरी मार्केट में? ये होता है ना जो ब्रास का सामान होता है, ब्रास कैटल, टर्क्वाइज होता है ये वाला, फिरोजा होता है महंगा। अच्छा, फिर महंगा होता है। अच्छा, प्योर फिरोजा है? हाँ, फिर ऐसा एंटीक पीस होता है, वो थोड़ा महंगा चाहिए तो। अरे वाह, तो अगर आपको एंटीक पीस ख़रीदने हैं तो आप यहाँ पर तिब्बतन मार्केट आ सकते हैं, और बहुत यूनिक सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेकलेस मिलेंगे, ये कौन से कॉपर है क्या? ब्रास 7 मेटल का। हाँ, ये दूरबीन है? वो नहीं, वो जो डैम्बर है बजाने वाला है ना, यहाँ बुद्धिस्ट का जो बजता है, बजता है इतना इतना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा बस है, यहाँ का ट्रेडिशनल का सामान है, ट्रेडिशनल। तो अगर आप ट्रेडिशनल एंटीक पीसेस लेना चाहते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, 100 रुपये से शुरू है और गोज अप टू 5,000 और 6,000 रुपीज़, राइट? हाय ब्रदर, हाउ आर यू? नाइस ब्रो। सो टेल मी, यू व्लॉगिंग? या यूट्यूब? या नाइस मैन, व्हाट्स योर चैनल? बज़ूका वर्ल्ड। सो यू आर फ्रॉम हियर ओनली? ना। अच्छा, मथुरा मैन। अच्छा, मथुरा, फ्रॉम मथुरा? या। सो ले कैसा लगा? इट वाज फाइन। सो व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट इन ले? प्रोबब्ली एटीवी राइड ओवर हियर। अच्छा, वहां पर मैग्नेटिक हिल के पास? हां, ओके ओके। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर रहते हुए? पाँच दिन हो गए। और शॉपिंग की यहाँ से, मार्केट से कुछ खरीदा? ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, देखने आए हो? तो विंडो शॉपिंग भी बड़ी अच्छी है भैया, यहाँ पर एंटीक चीज़ें बहुत सारी मिल जाती हैं। और ये भैया दुकानें हैं यहाँ पर। तो ये था भैया छोटा सा टूर ऑफ तिब्बतन रिफ्यूजी मार्केट, एंड आगे चलते हैं। देखिए भैया, कैफेज बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, फूड की कोई कमी नहीं है, फूड और कपड़ों की कोई भी कमी नहीं है। आप आइए, यहाँ पर खाने की बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं, फूड बड़ा ऑप्शन मिल जाती है, घूमने की बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है। तो दुकानें देखिए, एंटीक पीसेस तो भैया भरमार भरी पड़ी है यहाँ पर। ये एक और मार्केट है भैया, बिरयानी क्वीन। तो ऊपर आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे कुछ। तो ये भैया छोटा सा ले मार्केट का टूर आपको घुमा रहा हूँ अनकट, बेसिकली इस तरह कुछ दिखती है, आगे भी दुकानें हैं। तो भैया ये है ले की ओल्ड टाउन मार्केट, पैलेस रोड, और इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ओल्ड मार्केट भर गया, ये न्यू मार्केट के बिल्कुल बगल में पड़ती है, और ये रही ओल्ड मार्केट। लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या मिलता है। कुछ खास तो नहीं है यहाँ पर, बट अल्टीमेटली दिस इज़ अ ओल्ड मार्केट, देखते हैं रेट का डिफरेंस है या नहीं है। सो ये देखिए, हाय दादा, क्या हाल है? टी शर्ट्स वगैरह दे रहे हो? हाँ जी। क्या क्या रेट्स हैं टी शर्ट्स के? अलग अलग रेट है। आइडिया फिर भी? 350, 250, मतलब डिजाइन पे डिपेंड होता है। अच्छा, डिजाइन पे। हाँ, ये सारा एम्ब्रॉयडरी है, राइट? हम खुद करते हैं। अच्छा, खुद ही करते हो? हाँ जी, हाँ जी, जी खुद ही सब। अच्छा, हैंडमेड है? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, ये कितने का दादा? जैसे ये आर्टिकल हो गया, ये वाला हो गया 750, 650, अलग अलग। अरे वाह, कुर्ते वगैरह। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल ले की टी शर्ट्स रखी हैं यहाँ पर? ये
जी सर। हाँ यहीं से लेते हैं, लेका ही है। तो ओल्ड मार्केट और नई मार्केट में क्या डिफरेंस है दादा? कौन सा ओल्ड मार्केट? ये ओल्ड मार्केट है ना। हाँ जी हाँ जी। क्या फर्क है? ओल्ड टाउन है ये, मतलब ये पुराना मार्केट एक था, तो अब तो मतलब जमाने के हिसाब से बदल गया ये सब। बदल गया। लेकिन वरना तो ये ओल्ड टाउन, यहाँ के यहाँ पर आपका एंटीक मिलता था पुराना। अच्छा, अब वो नई मार्केट ने ले लिया, तो बिजनेस भी लॉस हुआ होगा। वही बिजनेस लॉस हो गया। तो आपका दिल नहीं किया कि वहाँ पर खोलने का? कहाँ पर? न्यू मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा रीजनेबल रेट्स में। हाँ, तो इस वजह से हमारा रेंट कम पड़ता है ना। अच्छा, रेंट कम पड़ता है। हाँ, तो ये भी देखना है, ओल्ड मार्केट है लेकिन फिर भी यहाँ पर टूरिस्ट अभी नहीं है फिलहाल, मैं जो देख पा रहा हूँ। बिल्कुल कम हो गया ना कोविड की वजह से ना। हाँ, तब से बैठा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका बिजनेस अच्छे से चले। क्या नाम है आपकी दुकान का? हमारे ना दुकान का पैलेस। और देखिए, पैलेस एम्ब्रॉयडरी, और ये खुद ही यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। ये सारे जितना आर्टवर्क आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें खुद ही करते हैं। 250 से लेकर 350 रुपये तक टी शर्ट्स मिल जाती हैं। बिल्कुल सर जी। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ पर टूरिस्ट लौटे और आपका सेल धड़ाधड़ हो जाए। तो ये ओल्ड मार्केट है भैया, बिल्कुल खाली पड़ी है। सारा टूरिस्ट नई मार्केट में आ चुका है। अरे वाह, ये आर्ट इफेक्ट खुद ही बनाते हैं? तो क्या खास चीज़ है इसमें? सर यहाँ पर पेंटिंग बहुत फेमस है। हाँ 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 हाँ, अरे वाह। और क्या देते हैं, ये क्या चीज़ है? सर ये पश्मीना सब बेचते हैं। एक आधा शॉल दें क्या? सर ये शॉल्स भी है, स्टॉल भी है। कोई भी, कोई भी, वैसे यूट्यूब पे अपना फेवरेट बताइए। रेड, पिंक, येलो, एनीथिंग। अरे वाह, ये स्टोन्स भी रखे हैं यहाँ पर। ये क्या स्टॉल है? सर स्टॉल है। हाँ, जेन्युइन है। तो किस रेंज में है दादा? सर ये 3500। 3500। और शॉल्स वगैरह किस रेंज से शुरू? शॉल्स इसी का डबल आता है, वो आपको 6000। और ये आर्टवर्क क्या क्या चीज़ें हैं, कितने की मिल जाती हैं? अलग अलग, स्टार्ट फ्रॉम 800। हाँ हाँ, इट गोज अप टू। तो ये सबसे छोटा वाला कितने का है? दिस वन सर, दिस विल बी कॉस्टिंग 800 रुपीस सर। 800 एंड गोज अप टू ₹25,000। तो उम्मीद करते हैं कि आपका कस्टमर लौटे। यहाँ पर ओल्ड मार्केट में कस्टमर नहीं है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी आप ही के? वो है बजाने वाला जो साइड में बजाते थे, वो दिखाओ यार बजा के। तो ये पॉश वेयर है बेसिकली, सारा भैया का ही है। और ये बजा के दिखा रहे हैं। ये मैं भी बजा सकता हूँ? ये होता क्या दादा? वाला दे दो इसको। होता क्या दादा? सर इससे मेडिटेशन करते हैं। हाँ, बजा के दिखाओ। एक शॉट लेंगे। अच्छा सा सुपर्ब, देख पा रहे हैं आवाज। वाव, अमेजिंग। सो आई कैन ऑल्सो ट्राई सर? आप पकड़ेंगे? सो सर थोड़ा इधर से लेंगे क्योंकि सन के अगेंस्ट आएगा। सो लेट मी ऑल्सो ट्राई। इसको कहते क्या हैं दादा? कहते क्या हैं इसको? सिंगिंग बोल। सिंगिंग बोल। तो ये साइड से प्यार से सर सुनो सुनो। आवाज बढ़ रही है अब। सुनो सुनो भाई, इसके साथ ही रहे। ये देखिए चेंज हो रही है। सुपर्ब, अमेजिंग। सो मेडिटेशन के कितने का दादा ये? हाँ, 1800 का। सुपर्ब, बहुत अच्छी यूनिक सी चीज़ है भैया। क्या आओ चलें कारपेट देखने। सो कारपेट भी दिखा देते हैं यहाँ पर। सो बड़ी यूनिक सी चीज़ें रखी हुई हैं भैया ने। ये देखिए प्रॉपर कश्मीरी कारपेट्स, राइट? भी है, तो किस रेंज में दादा कारपेट? अलग अलग प्राइस
फिर भी स्टार्ट और एंड प्राइस बताइए। तो ये किस मटेरियल से बना है? सर ये सिल्क है। हाँ हाँ, सिल्क बोलते हैं। अरे सो वूल वाले सुपर्ब, खुद ही बनाते हैं ना ये सारे। अरे सुपर्ब। तो भैया अगर ओल्ड मार्केट में अगर आप आए हैं तो भैया की शॉप में आ जाइए। बड़ी भी है और एक है। अच्छा सिर्फ काफ़ी बड़ी फॉर्म है सर। तो ये बड़ी काफ़ी बड़ी फॉर्म है भैया ने बोल दिया। ये मास्क बहुत चलते हैं यहाँ पर। अरे ये बहुत फेमस है यहाँ के। ये फिर वही चीज़ें आ गई है ना, तो इनको बाद में फिर। हाँ हाँ, अच्छा ऊपर भी जाना पड़ेगा। नहीं सर बस इतना काफ़ी है। हाँ। सर ये बड़े यहाँ की फेमस केटल्स हैं। अच्छा कितने ये दादा? इनको बोलते हैं चोज केटल सर। ये 3,500 रुपीज़। ओ सुपर्ब। ये कावा वावा पीने का मज़ा आता है इसमें ना। जी 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 जी। चलिए नाइस मीटिंग यू सर। थैंक यू। इनको सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल जी। ओल्ड मार्केट से नई मार्केट की ओर दोबारा वापस चलते हैं। सो लेट्स सी नई मार्केट में और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने को है। भाई मिले हैं ये, बेसिकली इनको आपने देखा होगा हिमालयन में ट्रैवल कर रहे थे और अब यहाँ पर आ चुके हैं। और देखो दुनिया बड़ी छोटी है भैया, स्पेशली इस बारे मिल रहे हैं। हाउ वाज योर ट्रिप? सो एडवेंचर्स एक्चुअली यस्टरडे इट वाज रेनिंग सो बैड। हां हां। एंड देयर वर सो मेनी। सो वी स्टेड इन कैंप। या वी स्टेड इन द कैंप। वी केम बैक इन द इवनिंग। अच्छा ओके। हां हां। वी वर ऑल्सो देयर। रियली? हां हां। वी डोंट इवन नो लाइक वी टुक 7 आवर्स टू रीच देयर। हां वी टुक 6 आवर्स टू रीच देयर। Really, we were stuck in the water passes, many water passes, many people, yeah. Like they were struggling a lot and we were like, we need to reach somehow, we need to reach there, Bangkok. So how was the overall trip? Yeah, so good. So you enjoyed? Yeah. Now for the shopping, right? Yes. Okay. Shopping for family. Key rings are here. There are many things here. Bas, chale. So this was the market ka chota sa tour, Ladakh ka. So how did you tour kaisa laga? आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा और टैग कर दीजिए अपने उस दोस्त को जो इस मार्केट में आया हो या आना चाहता हो, तो उसको टैग कर दीजिए। बाकी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए, ढूंढते हैं कोई रेस्टोरेंट और आगे मिलेंगे। छोटा सा टूर था मार्केट का। बेसिकली जो लोग मार्केट नहीं पहुँचे उन्हें पता लग जाएगा कि मार्केट में मिलता क्या क्या है ख़ास। तो चलिए खाने पीने और शॉपिंग के बाद चलते हैं अपने होटल की ओर। Thank you.